बहुत सुंदर है और मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो दोस्तों हालत बहुत बुरी हो चुकी है, चेहरा पूरा ख़राब हो चुका है। तो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हम आए हुए हैं आदमापुर में, बाड़ू मामा जी का दर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको शॉप्स दिख जाएगी। ऑलमोस्ट मंदिर बंदने का टाइम हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। तो अभी हम दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं भीतर। तो जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जूते रखने के ये मिलेगा। तो यहाँ पर जूते रख के आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर जो है यहाँ का मेला लग के ख़त्म हो चुका है, जतरा बोलते हैं, जतरा ख़त्म हो चुका है फिलहाल के लिए। एंड फिर भी हम आए हुए दर्शन लेने के लिए। तो ऐसा माहौल होता है शाम का। तो यहाँ पर बड़े से दो ऐरावत जी है, मतलब हाथी जी है, देख सकते हैं आप, बहुत ही मस्त टेंपल है। यहाँ पर आप जूते रखते हो वहाँ से लाइन में लग सकते हो यहाँ से। तो अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं इस मार्ग से। तो जहाँ तक शूटिंग पॉसिबल है एज यूजुअल हम वहाँ तक करेंगे। तो आज हमारे साथ किरण जी है। तो इतना आपको चलते हुए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है अंदर की तरफ कैमरा अलाउड नहीं है। तो अभी मैं बंद करता हूँ दर्शन लेके, आपको बाहर आके मिलता हूँ। तो यहाँ से आप करीब से देख लीजिए, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों अभी अभी दर्शन लेके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो माथे पे यहाँ पर जो है येलो कलर का भंडारा लगता है, जो हमने भी लगवा लिया है, अभी टीका लगता है ऐसे। तो किरण जी बोल रहे हैं आप मेले में नहीं आए, इस मेले में आना चाहिए था बोले, उस टाइम का शूट लेना चाहिए था, लेकिन अभी हमको पॉसिबल नहीं था तो हम कैसे आएंगे। तो अभी जो है हम आपको टेंपल बाहर से दिखाते हैं थोड़ा सा, आप देख लीजिए, आपको भी तो कंटेंट चाहिए ना कुछ। तो ये गजराज जी है, यहाँ पे ऐरावत भी बोलते हैं, बहुत सुंदर है और मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो इस साइड से भी लाइन में लगा जा सकता है। तो दो साइड से जो है, अगर आप इस साइड से आते हो ना तो थोड़ा करीब से दर्शन होगा आपका।
तो यहाँ से जो है आप टेंपल देख सकते हैं पूरा। मैं इस साइड से घूम के आया हूँ क्योंकि यहाँ से जो था रास्ता ब्लॉक था, तो इस तरफ से मुझे आना पड़ा। तो यहाँ पर जो है आप धान्य जो होता है हमारा वो यहाँ पर दान कर सकते हैं, जैसे ये शक्कर गेहूँ वगैरह वो दे सकते हैं आप, जो अन्न क्षेत्र में खाना बनने के लिए देते हैं। तो अभी हम आपको मैं अन्न क्षेत्र भी दिखाऊंगा जहाँ पर प्रसाद मिलेगा आपने को। लेकिन मुझे बस पकड़ना है। तो दोस्तों अभी जो है मैं आपको अन्न क्षेत्र के पास लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पीने की पानी की सुविधा भी बहुत अच्छे से रखी गई है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने जो नारियल चढ़ा, लोग जो नारियल चढ़ाते हैं उनको यहाँ पर सुखाया गया है। तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल है सदगुरु श्री बालूमामा ट्रस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आदमापुर। क्या बात, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना बहुत भीड़ है, अंदर जाऊँगा तो फंस जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर प्रसाद नहीं लूँगा, बाहर जाएंगे हम। तो ये टेंपल है अपना, ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। तो टेंपल का माहौल कुछ ऐसा है यहाँ पे, हर जगह पे सीसीटीवी वगैरह है, तो फील सेफ टू कम और यार, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी फिर से मेरे को राइड करके वापस कोल्हापुर पहुँचना है, बस है अपनी। हाँ, तो मैं वैसे यहाँ पहुँचा कैसे वो आपको बताना भूल गया, आज की सवारी अपनी फ्रेंड की, सॉरी एक ना छोड़ने ना। आज की अपनी सवारी जो है वो बुलेट है किरण जी की, जिनको अपनी वीडियो में देखा है, उनकी बुलेट है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस है, आपको जो भी इंक्वायरी करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं, डोनेशन काउंटर भी आपको यहीं पे मिलेगा। अच्छा, दादा गाड़ी। तो यहाँ पर बाहर आपकी तरफ आपको प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा। ये देखिए बाल मामा जी का यहाँ पर तस्वीर है, देख सकते हैं आप। तो ऊपर से हाईवे है, अभी यही हाईवे से हम कोल्हापुर जाएंगे। तो दोस्तों बाड़ू मामा जी का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आपको एक सेकेंड, ये हमारी आज की सवारी है। तो किरण जी गाड़ी चला रहे हैं फिलहाल के लिए। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।